हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज हम क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है इस चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे उर्दू में हम रबती मुरकबात भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के एतराफ, मतलब एक मेटल एटम होता है और इसके एतराफ में निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक खास तरतीब से एक खास अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं। नहीं समझे? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ बात। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये एक ऐसे मुरकबात होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल आयन, मतलब एक मेटल एटम होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन के अतराफ, उसके अराउंड में क्या होता है, लिगेंड यानी कुछ मंथी बादर आयन या मोतदिल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक खास तरतीब से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उनका एक खास अरेंजमेंट होता है। तो जो कंपाउंड हमको मिलता है उसी कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के अतराफ निगेटिवली चार्ज एटम्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक खास अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं, एक खास तरतीब में जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेरा जो प्लेटिनम है, यहाँ जो मेरा प्लेटिनम है ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये एक मेटल एटम है। उसके अराउंड, उसके एतराफ में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी क्लोरो एक खास तरतीब में जुड़े हुए हैं और NH3 मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक खास तरतीब में जुड़े हुए हैं। अब देखो, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं और सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी जुड़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो क्या है तारीफ इसकी? ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल आयन के अतराफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या निगेटिवली चार्ज एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक खास तरतीब में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप यहाँ तरतीब देखेंगे तो कैसा है, यहाँ मेरी जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है ना। तो एक खास तरतीब में जब जुड़ते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल एटम से जो जौहर या जो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो NH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये NH3 यहाँ जो जुड़ा हुआ है और ये NH3 जो जुड़ा हुआ है, ये क्लोरो जो जुड़ा हुआ है और ये क्लोरो जो जुड़ा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको ये बात भी मालूम, आपको मतलब याद रखनी है, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो बंदिश इनके पास होती है, वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके पास होता है, हमरबती बंदिश इनके पास होती है। अब ये हमरबती बंदिश क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम को दूसरा एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड दे देता है, पूरी तरह से अपनी इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्ड रहेगी वो पूरी तरह से क्या कर देगा, दे देगा। इस तरह की जो बॉन्डिंग तैयार होती है, इस बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, यकसा तौर पर, सेम तौर पर इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी वजह से क्या होगी, एक बॉन्डिंग तैयार होगी। हम इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम पूरी तरह से अब एक इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या करता है, दूसरे एटम को दे देता है, ठीक है। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है, इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हम इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह का जो एरो रहेगा, इस तरह के एरो से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा ये जो मेटल एटम है, मेटल एटम को NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पेयर प्रोवाइड कर दिया है। इस तरह से ये NH3 ने भी अपनी इलेक्ट्रॉन की पेयर प्लेटिनम को दे दिया है
और क्लोरो ने भी क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये क्लोरो ने भी अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है प्रोवाइड कर दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से जुड़ गया है और एक खास अरेंजमेंट में, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में क्या हो गया, जुड़ गया है। तो इस तरह से मेरा जो कंपाउंड तैयार हुआ है, इस कंपाउंड को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता हूं, इस तरह के कंपाउंड को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता हूं, ठीक है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो आपको याद रखनी है, और वो प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन किया जाता है, जब इसको डिसॉल्व किया जाता है कोई एक खास सॉल्वेंट के अंदर, तो इसका पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लॉस नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहां देखो मेरे पास एक कंपाउंड है K4FeCN/6। ये K4FeCN/6 का मैं क्या करता हूँ, आयोनाइजेशन करता हूँ, तो आप देखोगे ये इसके जितने भी एटम्स इसके अंदर है वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए मैं लेता हूं, मेरा कंपाउंड जो है वो है K4FeCN/6, ठीक है। इस कंपाउंड का मैं क्या करता हूँ, आयनाइजेशन करता हूँ, इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा, इसमें से जो चार पोटेशियम जो बाहर जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये चार पोटेशियम जो है वो अलग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कंपाउंड जो मिलेगा वो हो जाएगा K4K+, वो अलग हो जाएगा, जो बाहर लिखा हुआ है आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ से मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जैसा कि वैसा ही अलग हो जाएगा, और यही मेरा जो है खास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की खास एंटिटी यही है, ठीक है। तो ये वाला जो अगर आप देखोगे तो मेरे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसमें पोटेशियम भी है, आयरन भी है और साइनो लिगेंड भी है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो जोहर और जो लिगेंड है, जो ग्रुप है, वो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद है। लेकिन जब मैंने इसका आयोनाइजेशन किया, इस कंपाउंड का जब आयोनाइजेशन किया, तो सबके सब एटम जो है वो अलग अलग नहीं हुए हैं, सबके सब जो ग्रुप हैं वो अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन अलग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम ही यहाँ से क्या हुआ है, अलग हुआ है। जबकि मेरा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेरा जो था, वो जैसा कि वैसा ही वहाँ मौजूद है ना, इसमें से ना ही आयरन अलग हुआ है और ना ही साइनो जो लिगेंड था वो अलग हुआ है, वो जैसे कि वैसे ही वहाँ मौजूद है। तो मेरी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो जैसे कि वैसे ही मौजूद होती है, उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो ये बहुत ही खास बात आपको याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसका पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो ये जो है पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, इसके अंदर जो एटम होते हैं वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या अहमियत है हमारी जो लाइफ है, इस डेली लाइफ के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चलिए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ के अंदर रोजाना इस्तेमाल में आ रहा है, डेली इस्तेमाल में आ रहा है, ठीक है। कैसे, अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखोगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर एक खास नाम का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है ना, हीमोग्लोबिन। अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर है, उस वो जो पिगमेंट है वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक सेंट्रल मेटल एटम है जो आयरन है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का, ठीक है, आयरन का वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और उसके अतराफ में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसके अतराफ में इस तरह से जुड़ा हुआ है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, और उसके अतराफ में कौन मौजूद है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अतराफ में मौजूद है। तो इस तरह से जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उसे कहते हैं। तो हमारी जो ब्लड है उसके अंदर कौन मौजूद है, हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मौजूद है। इसी तरह से प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें एक खास पिगमेंट इस्तेमाल होता है, और वो खास पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है ना। क्लोरोफिल भी ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। काय का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये मैग्नीशियम का, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम के अतराफ में लिगेंड जो है, या जो मॉलिक्यूल्स है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसके अतराफ में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, है ना। और इस तरह से वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे, और इसी तरह से इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोफिल। तो ये एक पिगमेंट है, ठीक है। तो ये पिगमेंट कैसे बना हुआ होता है, मैग्नीशियम से, ठीक है। इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कौन होता है, मैग्नीशियम। ये भी एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ही ज्यादा अहमियत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो मेडिसिनल भी इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है होती है। जैसे अगर आप देखेंगे सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन नाम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और ये सिसप्लेटिन नाम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दवाई के तौर पर, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर, ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब एंटी कैंसर के तौर पर सिसप्लेटिन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है, जिसमें क्या होता है, प्लेटिनम एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक मेटल एटम होता है जिसमें जो कौन होता है, प्लेटिनम होता है, और इसके अतराफ में कौन मौजूद होता है, NH3 मौजूद होते हैं, और दो Cl मौजूद होते हैं। इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिसप्लेटिन कहते हैं, और ये कैंसर की दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक। इसी तरह से जो खारा पानी होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है, तो खारा पानी की अगर आपको हार्डनेस को पहचानना है कि कितना ज्यादा वो खारा है, ये जो खारापन पहचानना है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उस वो प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले पानी का हार्डनेस को चेक किया जाता है, ये जो है डेली वहाँ प्रोसेस होता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर अगर आपको पहचानना है कि पानी के अंदर कितनी खार मौजूद है, कितना वो खारा पानी है, तो उसकी जांच के लिए भी EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये EDTA, ये जो लिगेंड का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड EDTA, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखो। और ये क्या करता है, ये लिगेंड जो हमारा वाटर होता है, जो हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर कैल्शियम का सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, तो कैल्शियम मेटल एटम जो है हमारा जो हार्ड वाटर है उसके अंदर मौजूद होता है, इसी तरह से मैग्नीशियम जो है हमारे हार्ड वाटर के अंदर जो खारा पानी होता है उसके अंदर मौजूद होता है। तो EDTA क्या करता है, उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार करता है, और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्या कर सकते हैं, हम उसका टाइट्रेशन के जरिए से उसकी जाँच कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा जो है EDTA का कॉम्प्लेक्स जो है मौजूद है। यानी हम इनडायरेक्टली हम क्या पहचानते हैं, जो कैल्शियम हमारे पानी के अंदर है, या मैग्नीशियम जो हमारे पानी के अंदर है वो कितना मौजूद है ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए भी हम जो है EDTA का इस्तेमाल करते हैं, और EDTA क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार करता है, और उसी की हम जाँच करते हैं जिसके जरिए से हमको हार्डनेस ऑफ वाटर मालूम हो जाती है। तो ये जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर इसकी अहमियत है। इसी तरह से जो है कलर वगैरह बनाने के अंदर, जो कलर हम पेंट करते हैं, वो पेंट बनाने के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो है इसकी यूजेज है, बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं जो
ये बताती हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर है। तो जब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, तो क्यों ना हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टर्म बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और वो दो टर्म है सेंट्रल मेटल आयन CMI, और दूसरी टर्म जो इस्तेमाल होती है वो है लिगेंड। अगर ये दो टर्म आपको समझ में आ गई तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, जो CMI है, वो किसे कहते हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो एटम जिसके एतराफ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक खास तरतीब में जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक एटम होता है जिसके एतराफ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके एतराफ में जुड़े हुए होंगे, तो वो एटम जो सेंटर में मौजूद है उसी एटम को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन वो एटम होता है जिसके अतराफ में क्या जुड़े हुए होते हैं? निगेटिवली चार्ज एटम उसके अतराफ में मौजूद होते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके अतराफ में मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म जो यहाँ इस्तेमाल होती है वो होती है लिगेंड्स। लिगेंड कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के एतराफ, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम के एतराफ में जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से निगेटिवली चार्ज एटम है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अतराफ में जुड़े हुए होते हैं, यही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को या एटम को हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सेंट्रल मेटल आयन जो एकदम सेंटर में होता है, और एक होते हैं लिगेंड्स। और लिगेंड कहाँ होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के अतराफ में जो भी मॉलिक्यूल या एटम उसके अतराफ में मौजूद होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? लिगेंड हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपको सिसप्लेटिन नाम का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नजर आ रहा है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है? प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगेंड इस सिसप्लेटिन के अंदर लिगेंड्स कौन है? दो NH3 इसके अंदर लिगेंड है और दो क्लोरो लिगेंड के तौर पर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। सेंट्रल मेटल आयन जो एकदम सेंटर में मौजूद होता है उसे हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम के अतराफ जो मॉलिक्यूल या एटम उसके अतराफ में मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड हम कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड समझ में आ गया आपको, और सेंट्रल मेटल आयन भी समझ में आ गया है। देखिए, जो लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं बार बार कह रहा था कि सेंट्रल मेटल आयन के एतराफ, सेंट्रल मेटल एटम के एतराफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसके एतराफ में मौजूद होते हैं, हम उसे ही लिगेंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगेंड होते हैं वो निगेटिवली चार्ज के भी हो सकते हैं या वो जो है न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो चार्ज की बुनियाद पर ही लिगेंड्स को तीन क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है, तीन क्लासेस में जमातबंद उसको किया जा सकता है। तो लिगेंड्स को तीन जमातों में जो हम क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहली क्लास इसकी होगी एन आयोनिक लिगेंड। सबसे पहली क्लास कौन सी होगी? एन आयोनिक लिगेंड। ठीक है, और दूसरी क्लास हम इसकी पढ़ने वाले हैं कैट आयोनिक लिगेंड, और तीसरी जो है क्लास इसके हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आपको यहाँ लिगेंड बताऊंगा, जो भी एनायनिक लिगेंड बताऊंगा, जो भी उसके ऊपर चार्जेस बताऊंगा, वो आपकी नोट्स के अंदर आप नोट डाउन करते चले जाएं। ठीक है, क्योंकि आगे हम जो भी इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो जब तक ये बातें आपको याद नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ, एनायनिक लिगेंड बताऊंगा, कैटायनिक लिगेंड बताऊंगा, न्यूट्रल लिगेंड जो बताऊंगा, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो अगर आपको याद हो जाए तो आगे का पूरा जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो भी लेक्चर जो आप मैं अपलोड करते चले जाऊंगा, वो आपको बहुत ही आसान से समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है आपकी नोट्स हैं उसके अंदर इसको नोट डाउन कर रहे होगी।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लिगेंड्स को चार्जेस की बुनियाद पर, उनके चार्जेस की बुनियाद पर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है लिगेंड की, एनायोनिक लिगेंड। ठीक है, देखिए एनायोनिक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ऐसे लिगेंड को हम एनायोनिक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, देखिए जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की पेयर जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद है। पहले से ही लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड निगेटिव चार्ज के फॉर्म में मौजूद है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एन आयोनिक लिगेंड हम कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर Cl-, तो ये जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, एन आयोनिक लिगेंड है। देख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस लिगेंड को हम क्लोराइड आयन नहीं कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर Cl- को क्लोराइड आयन नहीं कहते हैं। अगर वो लिगेंड के तौर पर मौजूद हैं तो हम इसे हम जो है क्लोराइड आयन नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे क्लोरो। जैसा कि हम जो महाराष्ट्र स्टेट बुक है उसके अंदर इसको क्लोरो नाम दिया गया, और ये पुराना नाम है इसका क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। ठीक है, तो Cl- आयन जो होता है इस लिगेंड को हम क्लोरो आयन कहते हैं। इसी तरह से 2014 का जो IUPC नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर इसका नाम है क्लोरीडो। क्या नाम है इसका, क्लोरीडो। ठीक है, क्लोरीडो। तो इसे हम क्लोरो भी कहेंगे, लिगेंड के अगर तौर पर ये मौजूद है तो इस Cl- आयन को हम क्लोरो भी कहेंगे और क्लोरीडो भी कहेंगे। ठीक है, दोनों ही सही है। सेंट अगर आप CBSE बुक या NCERT बुक वगैरह देखेंगे तो वहाँ क्लोरीडो लिखा हुआ आपको नजर आएगा, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर इसको क्लोरो नाम दिया हुआ है। तो दोनों ही तरह से अगर आप इसको नाम दे तो ये जो है सही है। अगर आप जो है CBSE पैटर्न से हैं तो आप इसको क्लोरीडो लिखें, और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं तो आप इसे क्लोरो लिखें, तो शायद जो है आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर आप देखें तो एक है हमारा फ्लोरो, F-। इसे मैं क्या कहूँगा, फ्लोरो। क्या कहूँगा इसे, फ्लोरो, या मैं क्या कह सकता हूँ इसे, फ्लोरीडो। देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और साथ ही साथ ये भी देखें आप कि इनके ऊपर कितना चार्ज है। क्लोरो पर कितना चार्ज है, -1। इसी तरह से फ्लोरो पर कितना चार्ज है, -1। ये बात याद रखें आप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज कौन सा है और कितना चार्ज है वो बात याद रखते चले जाएं। तो क्लोरो पर -1 चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, -1 चार्ज है। इसी तरह से फ्लोरो पर भी -1 चार्ज है। ठीक है, अगर वो लिगेंड के तौर पर मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं देखो I-, तो इसे हम क्या कहेंगे, बोलिए, आयोडो, आयोडो या आयोडीडो, आयोडीडो। ठीक है, आयोडो इसे कहेंगे या आयोडीडो इस हम से कह सकते हैं। इसी तरह से CN-। ठीक है, CN-, इसे आप साइनाइड जो है ग्रुप कहते थे, लेकिन यहाँ इसको साइनाइड नहीं कहेंगे, हम इसके नाम के आखिर में ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं, जो एनायनिक लिगेंड होते हैं, उनके नाम के आखिर में ओ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसे जो है साइनो कहेंगे, साइनो। ठीक है, या साइनीडो हम इसे कहेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो SO4-2-। देखो यहाँ सल्फेट, तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस जो सल्फेट आयन है इसे हम सल्फेटो कहते हैं। ओ लगेगा नाम के आखिर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज इसके ऊपर होता है। इसी तरह से OH-। ठीक है,
हाइड्रोक्साइड आयन है ये, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर ये लिगेंड के तौर पर मौजूद है हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोऑक्सो, हाइड्रो ऑक्सो, हाइड्रोऑक्सो, ठीक है, ये बात याद रखिए। और इसी के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, माइनस वन होता है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए, क्लोरो पर माइनस वन, फ्लोरो पर माइनस वन, इसी तरह से आयोडो पर माइनस वन, सल्फेटो पे माइनस टू, इसी तरह से जो हमारा साइनो है उसके ऊपर माइनस वन, और हाइड्रोऑक्सो पर भी माइनस वन चार्ज होता है। तो ये तमाम के तमाम कौन है, एन आयोनिक लिगेंड है। और भी एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है C O O minus C O O minus, ये ऑक्सिलेट आयन है। कौन सा आयन है, ऑक्सिलेट, लेकिन यहां इसको ऑक्सिलेट नहीं कहेंगे, इसके नाम के आखिर में O लगेगा और इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सिलेटो, कहीं भी जाके लेटो, ठीक, लेट जाएंगे नहीं तो सच्चे में, ठीक है। तो ऑक्सिलेटो ये जो है ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है और इसको एनायोनिक लिगेंड है, और इसके ऊपर कितना चार्ज मौजूद होता है, माइनस टू चार्ज मौजूद होता है, ये बात याद रखेंगे। तो ऑक्सिलेट ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस टू चार्ज होता है। देखो ऑक्सिलेट को ये पूरा जो है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इसको लिगेंड के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा फार्मूला हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सिलेट का सी ओ ओ माइनस सी ओ ओ माइनस इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, ऑक्सिलेट को लिखेंगे सी टू ओ फोर। क्या लिखने वाले हैं, C2O4 लिखने वाले हैं। जब भी ऑक्सिलेट आयन को हम लिखेंगे, ऑक्सिलेटो आयन को जब भी हम लिखेंगे लिगेंड के तौर पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिखेंगे, तो हम उसे C2O4 लिखेंगे, या उसको जो है ऑक्स के तौर पर भी लिखा जाता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्स, ठीक है, ऑक्स। तो ये जब भी ऑक्स रहेगा हमारे, कहीं भी अगर ऑक्स लिखा हुआ है या C2O4 लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे कि वो कौन सा लिगेंड है, ऑक्सिलेटो लिगेंड है। और ऑक्सिलेटो लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, माइनस टू चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और मेरे पास एनायन एक लिगेंड है, वो है SCN-। ये SCN- जो है इसे हम थायोसाइनेटो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, थायोसाइनेटो, थायो साई नेटो, ठीक है। तो ये थायोसाइनेटो लिगेंड है जिस जो एनायनिक है और इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होता है। इसी तरह से यही लिगेंड जो होता है वो अगर नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ा हुआ है, इस तरह से NCS, ठीक है, अगर वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ा हुआ है, यही जो लिगेंड है अगर वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। क्या कहते हैं उसे, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो NCS जो होता है इसे हम आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड कहते हैं। ये एनायोनिक लिगेंड है और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस वन चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है एनायोनिक लिगेंड की मिसालें हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, NO2-, ठीक है, NO2-, इसे हम कहते हैं नाइट्रो। कौन सा कहते हैं इसे, नाइट्रो लिगेंड हम इसे कहते हैं। अगर ये O के जरिए से जुड़ा हुआ है, इस तरह से O के जरिए से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं नाइट्रीटो। क्या कहते हैं इसे, नाइट्रीटो हम कहते हैं। तो NO2 अगर है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हम इसे नाइट्रो लिगेंड कहेंगे। और अगर यही लिगेंड O के जरिए से जुड़ा हुआ है, O के जरिए से अगर वो लिगेंड जुड़ा हुआ है, O जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, तो इस तरह के लिगेंड को हम कहेंगे नाइट्रीटो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जांपल बताया हूँ, ये तमाम के तमाम एग्जांपल आपको याद रखनी है ताकि आपको आगे चलकर मेरा जो लेक्चर्स है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलिए चार्जेस की बुनियाद पर लिगेंड्स को एक और क्लासिफाई जो हम कर सकते हैं, एक और उसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है, कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। तो अगर लिगेंड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए
ये क्या लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर प्रोवाइड करते हैं, है ना। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो लिगेंड के पास होता है, और वो लिगेंड जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके पास हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। जैसे मिसाल के तौर पर H2O, ठीक है, ये H2O जो है ये लिगेंड के तौर पर मौजूद होता है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन को दे देता है, ठीक है, और सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से जुड़ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड माइनस चार्ज के फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि कौन से फॉर्म में मौजूद है, जो लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ मौजूद है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है लोन पेयर के फॉर्म में अगर मौजूद है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। तो उसके एग्जांपल है H2O। H2O जो है वो आप उसे वाटर कहते हैं, आम जुबान में आप उसे वाटर कहते हैं, या जो है डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड हम इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस लिगेंड को हम जो नाम देंगे वो होगा एक्वा। क्या नाम होगा इसका, एक्वा, याद रखेंगे आप। यहाँ हम इसे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं कहेंगे, ना ही हम इसे वाटर कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम इसे एक्वा कहेंगे। और एक्वा पर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। इसी तरह से NH3, NH3, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो लिगेंड के तौर पर, न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ भी जो NH3 है, NH3 का जो नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो सेंट्रल मेटल आयन को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है। और जब वो सेंट्रल मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर देगा, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ वो बना लेगा, और इसी तरह से वहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वहाँ बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ बन जाएगा। तो ये NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ये पूरी एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। यहाँ पूरी केमिस्ट्री जो है, नए नए फंडे यहाँ आते हैं, जिस तरह से जो है H2O को यहाँ क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, इसी तरह से जो अमोनिया है, इसे अमोनिया नहीं कहते हैं, इसे हम अमोनिया नहीं कहते हैं, इसे हम अमीन कहेंगे, और अमीन की भी स्पेलिंग देख लीजिए आप, इसे हम अमीन कहेंगे, और इसमें डबल एन लगता है, ठीक है, NNIME, हम इसे अमीन कहेंगे, उसे अमोनिया नहीं कहेंगे, ठीक है। NH3 अगर लिगेंड के तौर पर मौजूद है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अमीन कहेंगे, AMMINE, इसे हम अमीन कहेंगे, ठीक है। और ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, NH2 CH2 NH2, ठीक। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ ये नाइट्रोजन है, और यहाँ ये नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से क्या होगा, वो सेंट्रल मेटल आयन के जरिए से जुड़ जाएगा, है ना। यही जोहरों के जरिए से वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन के जरिए से जुड़ जाएगा। अब देखिए पूरा मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे, तो ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह का लिगेंड को मैं क्या कहूँगा, न्यूट्रल लिगेंड कहूँगा। और इस न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम है वो है इथिलीन, इथिलीन डायमीन। देखो NH2 दो है, तो इसलिए मैं कहूँगा इसे इथिलीन डायमीन। क्या कहूँगा इसे मैं, इथिलीन डायमीन, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ इसका नाम, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो इसका नाम है इथिलीन डायमीन, ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा, इथिलीन डायमीन का जब हम इसको लिगेंड के तौर पर लिखेंगे, ये तो आपको मालूम होगा इथिलीन डायमीन का फॉर्मूला क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2।
लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। देखो शॉर्टकट मारेंगे हम हमेशा, जो है हम एडी हैं, हम हमेशा शॉर्टकट मारेंगे। तो इसके अंदर हम जब भी इथिलीन डायमिन को लिखेंगे तो शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, ई एन लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ई एन लिखेंगे। तो जब भी आपको ई एन लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाओगे वो कौन है, इथिलीन डायमीन है, एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू है। ठीक है, इसे हम इथिलीन डायमीन कहते हैं। चलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल की और एग्जाम्पल हम जानने की कोशिश करते हैं। एक फार्मूला इस तरह का है, एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच सी एच टू सी एच टू और एन एच टू। ये भी एक इतना बड़ा जो है कौन है, लिगेंड है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो तीन नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है और एक ये वाला नाइट्रोजन है। तो तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन के जरिए से जुड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ क्लाउड है, वो कौन से फॉर्म में मौजूद है बताइए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर मौजूद है। और इसी की वजह से मेरा जो ये लिगेंड है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड ये है। अब ये जो न्यूट्रल लिगेंड है इसका नाम है डाइथिलीन। देखो इथिलीन कितने हैं यहाँ, डाइथिलीन, और इसे कहते हैं ट्राई अमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइथिलीन ट्राई अमीन। ठीक है, तो इसका नाम है डाइथिलीन ट्राई अमीन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन। ठीक है, तो डाइएथिलीन ट्राइअमीन ये न्यूट्रल लिगेंड है जिसका फार्मूला आपने देख लिया। अब इसी को, चूंकि हम क्या है एडी है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्टकट लिखने वाले हैं। तो इसको शॉर्टकट में हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, हम लिखेंगे इसे डाई इन, हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे डाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पूरा फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, बार बार पूरा फार्मूला हम नहीं लिखने वाले, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डाइन लिखेंगे। तो आपको समझ जाना है डाइन जो है वो है एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच सी एच टू सी एच टू एन एच टू। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जाम्पल है न्यूट्रल लिगेंड की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, कैटायोनिक लिगेंड कहेंगे। और ये लिगेंड जो है बहुत अनकॉमन है, मतलब ये कॉमनली नहीं पाए जाते, बहुत कम जो है ऐसा होगा कि ये वाले लिगेंड जो है पाए जाएंगे। क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड या तो जो है वो निगेटिव चार्ज के फॉर्म में उनके पास मौजूद होगी, या वही इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मौजूद होगी। अब पॉजिटिव चार्ज अगर लिगेंड के पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसके पास कम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगेंड होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे लिगेंड जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। तो कुछ ही ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और वो लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लिगेंड को हम कौन से लिगेंड कहते हैं, कैट आयोनिक लिगेंड कहते हैं। और इनके नाम के आखिर में ई एम लगता है, आई यू एम इनके नाम के आखिर में लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें एनओ प्लस, ठीक है, एनओ प्लस ये जब अगर लिगेंड है, अगर ये लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसे नाइट्रोसोनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, नाइट्रोसोनियम लिगेंड, नाइट रो सो नियम लिगेंड हम इसे कहेंगे। ठीक है, एक और है NO2+। अगर ये इस तरह का लिगेंड अगर कोई कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, तो इस तरह के लिगेंड को हम कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, नाइट रो नियम आयन। ठीक है, तो ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है, ये बहुत अनकॉमन, ये कॉमनली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, ऐसे लिगेंड को हम कौन से लिगेंड कहते हैं, कैट आयोनिक लिगेंड कहते हैं। ये बहुत ही अनकॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इससे पहले हमने अभी देखा है कि लिगेंड्स को चार्जेस की बुनियाद पर, काय की बुनियाद पर, चार्जेस की बुनियाद पर, उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगेंड हम उसे कहते हैं,
और अगर निगेटिव चार्ज है तो हम इसे एनायनिक लिगेंड कहते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। तो ये चार्जेस की बुनियाद पर हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किए हैं। अब लिगेंड को उनकी डेंटिसिटी की बुनियाद पर, वो कितने एटम के जरिए से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है, लिगेंड कितने एटम के जरिए से, कितने डोनर एटम के जरिए से वो लिगेंड से जुड़ रहा है, उसे हम कहते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी की बुनियाद पर हम लिगेंड को और भी ज़्यादा क्लासेस में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले कौन सा होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। अब इसके नाम से ही आपको जो है समझ में आ रहा है कि मोनोडेंटेड ये लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से एक डोनर एटम के जरिए से जुड़ता है। मतलब लिगेंड के पास एक डोनर एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। तो अगर लिगेंड के पास एक डोनर एटम मौजूद है तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपने देखा होगा Cl- माइनस आयन, ठीक है, जब ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा तो इस तरह से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके पास है, वो क्या करेगा, मेटल एटम को दे देगा, है ना, और मेटल एटम से क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएगा। तो क्लोरो जो है वो एक ही एटम है, तो एक ही एटम ने क्या किया है, डायरेक्टली क्या हुआ है, वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ गया है। तो ये वाला जो है वो कैसा लिगेंड हो जाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। H2O, ठीक है, ऐसे तो आपको इसके अंदर जो है तीन एटम नजर आ रहे हैं, एक्वा, एक्वा जो लिगेंड है इसमें तीन एटम नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनर एटम सिर्फ एक है, और वो कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम से वो ऑक्सीजन के जरिए से जुड़ जाएगा, क्या के जरिए से जुड़ जाएगा, वो ऑक्सीजन के जरिए से वो जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इस डोनर एटम के पास, इस लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनर एटम है, जिसके जरिए से वो क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमने देखा है, वो क्या है, NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो NH3 है इसमें वैसे तो आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं, चार एटम नजर आ रहे हैं, तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन है, लेकिन डोनर एटम कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन, डोनर एटम कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये सिर्फ डोनर एटम नाइट्रोजन के जरिए से क्या होगा, ये मेटल एटम से जुड़ जाएगा। तो कितने डोनर एटम है, अमीन के पास एक ही जो है डोनर एटम है, तो ये जो अमीन है, NH3 जो लिगेंड है, वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल जो है मोनोडेंटेड लिगेंड्स की हम देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोडेंटेड लिगेंड की। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कि लिगेंड्स को, ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कैटायनिक भी हो सकते हैं, और मोनोडेंटेड लिगेंड एनायनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सब बातें जो मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया हूँ, जो नाम बताया आपको, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, वो आपको याद रखना है। देखो H2O में जो डोनर एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जरिए से क्या होगा, मेटल एटम से जुड़ जाएगा, और H2O अगर मेटल H2O अगर लिगेंड के तौर पर है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वा हम कहते हैं। इसी तरह से NH3 में डोनर एटम कौन होता है, नाइट्रोजन, उसके अंदर डोनर एटम होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, अमीन हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कार्बोनिल होता है, ठीक है, कार्बोनिल जो होता है इसके अंदर जो डोनर एटम होता है वो इसका डोनर एटम होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल हम इसे कहते हैं, इसके अंदर डोनर एटम कार्बन भी होता है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल हम इसे कहते हैं। इसी तरह से NO, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम इसके पास अगर है, अगर वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, एक ही डोनर एटम इसके पास अगर है, तो हम उसे कहेंगे नाइट्रोसिल, अगर नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसे नाइट्रोसिल कहेंगे। इसी तरह से पाइरीडीन, ये आपको मैंने इससे पहले नहीं बताया, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये नाइट्रोजन के जरिए से क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है, तो ये पाइरीडीन जो है, ये इसको जो है प्रोनाउंसिएशन इसका पिरीडीन आप करते हो या पाइरीडीन जो भी करते हो,
तो ये जो है ये इसके अंदर डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन इसके अंदर डोनर एटम होता है। और इसे हम जो है इतना बड़ा फार्मूला ना लिखते हुए हम इसे सिर्फ शॉर्टकट में पी वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसे शॉर्टकट में? पी वाई लिखते हैं, याद रखिएगा। तो पायरीडीन ये न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और चंद अब हम देखते हैं कि कैटायनिक लिगेंड कौन कौन से हैं जो मोनोडेंटेड हैं। तो इसमें नाइट्रोसोनियम आयन, जो इससे पहले आपको बताया, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन, उसमें नाइट्रोजन जो होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ना वो नाइट्रोजन के जरिए से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा, तो हम उसे कहेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। इसी तरह से नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, इसमें नाइट्रोजन के जरिए से वो जुड़ रहा है, एक डोनर एटम इसके पास है, वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब चंद एनायोनिक लिगेंड को जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ फ्लोरो जितने भी हेलोजन्स हैं सबके सब मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, जितने भी हेलोजन हैं, ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सबके सब कैसे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है इससे पहले बताया, सबके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। 2014 के जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसमें इसको फ्लोरिडो कहा गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, जैसे जिसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, तो अगर वो लिगेंड के तौर पर मौजूद है तो, और वो एनायोनिक है, तो हम उसके नाम के आखिर में तो ओ लगाते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रिडो, ठीक है। तो यहाँ डोनर एटम कौन है? हाइड्रोजन यहाँ डोनर एटम है। इसी तरह से साइनो, जिसे हम साइनिडो भी कह सकते हैं, इसमें कार्बन एटम डोनर एटम होता है और नाइट्रोजन भी इसके अंदर डोनर एटम होता है, हम आगे चल के इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो थायोसाइनेट हो, इसके अंदर डोनर एटम, कोई एक डोनर एटम हो, या तो इसमें जो है सल्फर डोनर एटम होगा, क्या होगा? इसमें सल्फर डोनर एटम होगा, तो अगर सल्फर डोनर एटम है तो हम क्या कहेंगे उसे? थायोसाइनेटो, ठीक है। और अगर उसी कंपाउंड के अंदर अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसो थायोसाइनेटो हम उसे कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से OH माइनस आयन, उसमें O जो होता है वो डोनर एटम होता है, O डोनर एटम है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसी तरह से मरकैप्टो, इसके अंदर सल्फर जो होता है वो डोनर एटम होता है, इसे हम मरकैप्टो कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन, ठीक है, O माइनस, इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसे हम डोनर एटम, इसका नाम क्या होगा? ऑक्सो। इसी तरह से परोक्सो, थायो, नाइट्रो, नाइट्रो के अंदर N जो है डोनर एटम होता है, या अगर ओ अगर दोनों ओ डोनर एटम है तो उनसे क्या कहेंगे? नाइट्रेटो, ठीक है। तो ये क्या है? तमाम के तमाम ये जो लिगेंड आपको नजर आ रही है, नजर आए हैं, ये तमाम के तमाम लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं चार्जेस के साथ, वो न्यूट्रल है, कैटायोनिक है या एनायोनिक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिगेंड की उनकी डेंटिसिटी की बुनियाद पर उसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड, वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर अगर लिगेंड सिर्फ और सिर्फ दो एटम के जरिए से जुड़ रहा है, अगर ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम है, एक से ज्यादा है, तो पॉलीडेंटेड कहेंगे। और अगर दो है, पॉलीडेंटेड में भी अगर उनके पास कितने हैं? दो डोनर एटम है, ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहेंगे बाईडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे? बाईडेंटेड लिगेंड हम इसे कहेंगे। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया हूं, एक नाम बताया था इथिलीन डायअमीन, ठीक है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये कौन है? इथिलीन डायअमीन है। इसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं जो वो लिगेंड रखता है, और ये दोनों नाइट्रोजन के जरिए से क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ जाता है ना। एक ही लिगेंड है, लेकिन वो उसके पास दो डोनर एटम है जिसके जरिए से क्या हो रहा है? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं जिसके जरिए से वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ सकता है, ऐसे लिगेंड को हम बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो बाईडेंटेड लिगेंड की एक एग्जांपल जो है वो कौन सी है? इथिलीन डायअमीन, ठीक है। तो इथिलीन डायअमीन जो इससे पहले आपको बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या है? CH2 CH2, और इधर क्या है? NH2
और इधर भी क्या है NH2, ये कौन है, इसके पास दो नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन के जरिए से वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ सकता है। तो ये इथिलीन डायामीन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं, तो इथिलीन डायामीन बाइडेंटेड लिगेंड है और कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से बाइडेंटेड लिगेंड की एक और एग्जाम्पल है COO-COO-, बताइए इसका नाम क्या बताया था आपको, ऑक्सलेटो, कहीं भी जाके लेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है। ऑक्सलेटो जो होता है इसके पास दो डोनर एटम है, ये वाला एक ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है और एक ये वाला ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है, और ये दोनों डोनर एटम के जरिए से सेंट्रल मेटल आयन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब लिगेंड दो डोनर एटम से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है इस तरह से, तो इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्सलेटो भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये एक एनायोनिक लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज इसके ऊपर होता है। तो ऑक्सलेटो बाइडेंटेड है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज इसके ऊपर होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो ये तो ऑक्सलेटो हमने देख लिया है कि ऑक्सलेटो ये बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है। इसी तरह से सल्फेटो, ये भी एक डोनर जो है बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें जो है ऑक्सीजन डोनर एटम है। और इसी तरह से ग्लाइसिनेटो, ठीक है, इसमें ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ग्लाइसिनेटो, उसके ऊपर ये नाइट्रोजन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है, और ये ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, मतलब ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है डोनर एटम के तौर पर इस्तेमाल हो गए साइमल्टेनियस, मतलब एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ वो क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएंगे। तो ये भी जो ग्लाइसिनेटो है वो भी कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ग्लाइसिनेटो के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं और ग्लाइसिनेटो जो होता है इसे GLY से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइमेटो, ठीक है, या डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम, ये दोनों ही जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब अगर लिगेंड तीन जोहरों के जरिए, तीन एटम के जरिए से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है, यानी लिगेंड के पास तीन डोनर एटम है, लिगेंड के पास कितने डोनर एटम है, तीन डोनर एटम लिगेंड के पास अगर मौजूद है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डाइएथिलीन ट्राइअमीन जो आपको बताया था, डाइएथिलीन ट्राइअमीन जो आपको बताया था, इसके अंदर तीन जो है डोनर एटम है, देखो ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये तीन नाइट्रोजन है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तीनों नाइट्रोजन जो होते हैं वो बैकवर्क साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, मेटल एटम से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास तीन डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो डाइएथिलीन ट्राइअमीन इसकी एग्जांपल है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डाइईन लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पहले भी बताया मैं आपको कि इसको शॉर्टकट में हम डाइईन लिखते हैं। तो डाइएथिलीन ट्राइअमीन ये एक ट्राइडेंटेड लिगेंड है। इसी तरह से टेट्राडेंटेड लिगेंड किससे कहेंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास चार डोनर एटम मौजूद होते हैं, जिनके पास चार डोनर एटम मौजूद होते हैं, ऐसे लिगेंड को टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इसकी मिसाल है ट्राइएथिलीन टेट्राअमीन, इसके एग्जांपल क्या है, ट्राइएथिलीन टेट्राअमीन। देखिए यहाँ चार NH3 है, चार नाइट्रोजन जोहर जो इसके पास मौजूद हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयर दे सकते हैं और उसके जरिए से जोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो है वो कैसा हो गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से पेंटाडेंटेड लिगेंड, ठीक है, पेंटाडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास पांच डोनर एटम मौजूद होते हैं, हम इसे पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे इथिलीन डायामीन ट्राइएसिटो, ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यानी तीन ऑक्सीजन इसके पास है और दो नाइट्रोजन इसके पास है जिसके जरिए से वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है बैकवर्क। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इथिलीन डायामीन ट्राइएसिटो जो है ये पेंटाडेंटेड लिगेंड है।
इसी तरह से हेक्साडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल क्या हो जाएगी, हेक्साडेंटेड लिगेंड की तारीफ क्या हो जाएगी, हेक्साडेंटेड की तारीफ ये हो जाएगी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास 6 डोनर एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 6 डोनर एटम होते हैं ऐसे लिगेंड को हेक्साडेंटेड लिगेंड हम कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है EDTA, क्या एग्जांपल है इसकी, EDTA, ठीक है। EDTA का फार्मूला जो आपको नजर आ रहा हो थोड़ा सा याद रखेंगे कि इथिलीन डायमीन, ठीक है, और टेट्रा एसिटेट आयन यहाँ मौजूद होता है जिसे हम टेट्रा एसिटेट कहते हैं, ठीक है, वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये EDTA, ये चार जो है इसके पास, ये ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन डोनर एटम है और दो नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो टोटल मिला के कितने डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे। तो EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेटो जो लिगेंड है इसे हम कहते हैं EDTA, और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ये बातें आपको बता दिया कि डेंटिसिटी के तौर पर, डेंटिसिटी की बुनियाद पर लिगेंड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अब एक और टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो होती है एम्बीडेंटेड लिगेंड। सवाल आता है, पूछता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं, यानी वो बाइडेंटेड होते हैं, ठीक है, बाइडेंटेड तो नहीं होते हैं, बाइडेंटेड जैसे होते हैं, ठीक। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ता है, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ता है, तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे मिसाल के तौर पर थायोसाइनेटो जो बताया था आपको, SCN, देखिए इस लिगेंड के अंदर सल्फर भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। इस लिगेंड के अंदर सल्फर भी क्या है, डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ेगा। अगर वो सल्फर के जरिए से जुड़ रहा है, सिर्फ सल्फर के जरिए से जुड़ रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो। क्या कहते हैं हम इसे, थायोसाइनेटो। अब अगर यही जो लिगेंड है अगर वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, किसके जरिए से जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, मतलब इसका फार्मूला हो गया NCS। क्या फार्मूला हो गया है, NCS। तो अगर ये नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, सल्फर के जरिए से नहीं जुड़ रहा है, अगर वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। पहले बताया ना आपको, तो हम इसे क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये लिगेंड ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो डोनर एटम है लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ रहा है, तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो थायोसाइनेटो ये इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह से नाइट्रो जिसे हम कहते हैं NO2, ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, ठीक है। तो अगर ये नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ रहा है तो हम इसे कहते हैं नाइट्रो। ये बताया आपको पहले मैंने, क्या कहते हैं इसे, नाइट्रो। अब यही जो लिगेंड है वो ऑक्सीजन के जरिए से भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। देखो यहाँ NO2, ठीक है, सेम लिगेंड है, अगर वो ऑक्सीजन के जरिए से जुड़ रहा है, काय के जरिए से जुड़ रहा है, अगर वो ऑक्सीजन के जरिए से जुड़ रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, नाइट्रीटो, है ना। तो एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है NO2, एक ही लिगेंड है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो N के जरिए से जुड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है वो O के जरिए से जुड़ता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ते हैं, कभी वो जो है नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ेगा, कभी O के जरिए से जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो लिगेंड है कभी वो सल्फर के जरिए से जुड़ेगा, कभी वो नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ेगा। तो इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन वो किसी एक के जरिए से जुड़ता है इसे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इसकी दो एग्जांपल आपको याद रखनी है, एक है SCN और एक है NO2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।